हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, आप सभी के लिए जनरल बेसिस पर है रीडिंग, जनरल तरीके से देखेगा एंड टाइमलेस बना रही हूँ उस रीडिंग को मैं। सो आपको रीडिंग जब भी मिलती है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो आपके रिलेशनशिप के लेकर इस वक्त आपके पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं चेक करूंगी इस रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली नोटिफिकेशन के लिए। एंड इस रीडिंग को आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी एज के हैं, अगर एनर्जीज आपके साथ में रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेती हूँ गाइस इस रीडिंग को। कमेंट सेक्शन में रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय एंड पॉजिटिव होकर देखिए इस रीडिंग को। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या कुछ कह रही हैं आज के दिन में, इस टाइम पर आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं इस टाइम पर, जिन किसी के बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिन किसी के बारे में ख्याल आ रहा है इस वक्त आपको, उनकी फीलिंग आपको लेकर। ओके सो हैंड मैन, किसी बात का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आज इनके माइंड में। आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंट मिल रही है इन पर्सन की, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज है। क्या चीज़ है वो जिसको लेकर इतने ज़्यादा पर्सन आज के दिनों मुझे कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं, यानी कि किसी बात को लेकर इन्होंने मन बनाया है, इरादा बनाया है, बट उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन। एक बात मैं यहाँ पर ही देख रही हूँ, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ के बारे में जो है उसको बार बार सोचते हैं। सो हैंगमैन की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करूँगी मैं, क्यों है आपके पर्सन हैंगमैन की एनर्जीज़ में। ओके सो फाइव ऑफ कप्स, किसी बात को लेकर मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या फिर कोई परेशानी वाला टाइम जो है उसे डील कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इस वक्त ये जो पर्सन है डीपली थिंकिंग में है, दुखी हैं, परेशान हैं और इनके लाइफ में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं पर्सन। बिल्कुल इनका ध्यान उन चीज़ों की तरफ से जो है मुझे हटा हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ जो है ये पर्सन फोकस कर रहे हैं, जो कि है इनका पास्ट। यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है कास्ट मुझे पास्ट में से, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है अपने पास्ट की तरफ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की तरफ सोच रहे हैं। सो कुछ चीज़ें इनकी जो इश्यूज़ है वो मुझे पास्ट में ही नज़र आ रहे हैं। सो इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग गाइज आप लोग के बीच में मुझे यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज नज़र आ रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट हो सकता है, ब्लॉक एनर्जीज हो सकती है मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि हो सकता है इन पर्सन ने जो आपको एक ब्लॉक कॉन्टैक्ट में रखा है या फिर आपकी तरफ से भी हो सकती है ये एनर्जीज, क्योंकि ब्लॉक एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नज़र आ रही हैं। द एम्परर, सो द स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सूट्स। सो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही हैं यहाँ पर, सो थ्री एनर्जीज मुझे यही वाइब्रेट कर रही हैं कि कोई डिसीजन, कोई फैसला है जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। दिन रात उस चीज़ के बारे में जो है बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, उससे जुड़े पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फिर प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, फिर बार बार ये सोचते हैं कि इनके लाइफ में इनको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई डिसीज़न जो है उसके बारे में मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ये पर्सन, जो मुझे लग रहा है डिसीजन को लेने के बारे में बार बार ये पर्सन एक फियर में आ जाते हैं। किसी बात के लिए जो है इनके बारे में मुझे फियर नज़र आ रहा है, कोई डर नज़र आ रहा है। तो पहले तो मैं ये देख लेती हूँ, यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि वो क्या डिसीजन है जो ये पर्सन इतना ज़्यादा लेना चाहते हैं, बट किसी बात का जो है इनके मन में फियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, फिर उस बात को लेकर जो बहुत ज़्यादा है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस वक्त ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। तो गाइस मैं चेक कर लेती हूँ क्या है वो डिसीज़न जो ये पर्सन लेना चाहते हैं। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है मुझे यहाँ पर इन पर्सन की, कि बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को भी मिस कर रहे हैं। सो क्या डिसीजन हो सकता है इन पर्सन का। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द टेन ऑफ वैंड्स। सो मेरे पास में जो एनर्जीज आई है गाइस, मुझे सबसे पहले एनर्जीज यहाँ पे इनकी थ्री ऑफ पेंटिकल्स की मिली है, जो मुझे यहाँ पर बता रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो है कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी है जिसमें इनको ऐसा महसूस होता है कि अब इस सिचुएशन में जो है ये पर्सन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और उससे जो है आगे बढ़ने का एक फैसला ले रहे हैं या फिर मूव ऑन होने का फैसला ले रहे हैं। जहाँ तक मुझे एनर्जीज मिल रही है गाइस, ये पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उनके लाइफ से जो है ये
पर्सन अब एक जो है दूरियां बना लेना चाहते हैं। अभी इस वक्त की जो एनर्जीज इन पर्सन की, मुझे थकी हुई एनर्जीज आ रही कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा थक हार गए हैं, अब अपने जो है डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा उनको जो है प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी हैं अपनी लाइफ में, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज भी जो मुझे यहाँ पर आ रही है। आगे बढ़कर कोई जो है फ्रीडम इनको महसूस नहीं हो रही है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है कि पर्सन अब मुझे बैक स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये पर्सन हो सकता है गाइज आपसे जो है मूव ऑन कर गए हों किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर आपसे भी ज़्यादा जो प्रायोरिटी है किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने पास्ट में दी हो, जिससे हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि पर्सनल आपकी लाइफ में जो है कम बैक होंगे या फिर नहीं होंगे, आपकी लाइफ में जो है लौटेंगे या फिर नहीं लौटेंगे। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन अब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो है मूव ऑन होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ से जो है, या फिर मैं कह सकती हूँ अब ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है कम बैक हो जाए। तो भी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनका करियर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई ही शी हो सकता है, एंड उनके साथ में भी इनका जो है गाइस कोई भी मैरिड अनमैरिड रिलेशन हो सकता है। सो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि पर्सन अब उन पर्सन की लाइफ से जो है बाहर निकलने की कोशिश मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुझे यहाँ तक लग रहा है कि पर्सन बना चुके हैं कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो है उनकी रिलेशन को जो है छोड़ करके आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। उसके लिए मुझे लग रहा है पर्सन ने कोई प्लानिंग भी करी हुई है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट हो सकता है उस चीज़ को आपसे जो है शेयर ना किया हो। बट मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है टोटली मुझे इनकी कम बैक होने की यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है। टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है गाइज। एरीज लियो सजिटेरियस अगर आप हैं तो आपके पर्सन बहुत तेज़ी से मुझे लग रहा है आपके लिए जो है आपकी में कम बैक होना चाहते हैं। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन के साइन जो बहुत ज़्यादा इस वक्त कोई प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में कम बैक होने के लिए, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट साथ में ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे लग रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का जो है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, मन पूरी तरीके से इन पर्सन ने बना लिया है, बट किसी चीज़ का जो है मुझे इनके माइंड में फियर नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है गाइस इस वक्त इन पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा जो है इशूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इशू मुझे नज़र आ रहे हैं, करियर में इशूज़ मुझे यहाँ पर इनके पर्सन की लाइफ में नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत सारे कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिनकी लाइफ में इस वक्त हैं, एंड आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके मन में वो चीज़ें आ रही हैं कि अब आपकी लाइफ में जो कम बैक होने से पहले अपनी लाइफ के इशूज़ से उन प्रॉब्लम्स को जो है ख़त्म कर दें, ताकि आपके साथ में जो है एक न्यू बिगनिंग कर सके, एक फ्रेश बिगनिंग कर सके और हैप्पली जो है एक न्यू बिगनिंग को स्टार्ट कर सके। तो कुछ ना कुछ ऐसे इशू मुझे इनकी लाइफ में इस वक्त नज़र आ रहे हैं जिससे पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे निपटते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है चीज़ों को जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो किसी तरह का कोई कंट्रोल भी हो सकता है पर्सन के ऊपर, वर्कलोड का कोई कंट्रोल हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन का कंट्रोल मुझे नज़र आ रहा है, जिनकी वजह से या फिर जिनके बारे में सोच कर जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा दिन तक इन पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो इन चीज़ों के बारे में जो है हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोगों की एनर्जी से हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मतलब वो पर्सन अब इस नेचर के हो गए हैं, या फिर ऐसा वो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर हो गया है कि अब बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग करना उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ अपने जो कर्मा है, अपने जो डीड्स हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अपने रिलेशन में वाकई में अब वो एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, हैप्पी जो चीज़ें हैं आपकी, एक हैप्पी न्यू बिगनिंग जो है आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आई होप आपके साथ में जो रीडिंग है गाइज रेजोनेट की हो। चेक कर लेती हूँ उस टाइम पर आपके करियर को लेकर क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं। सो अगर आप करियर की रीडिंग देखना चाहें गाइज तो देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं करियर के लिए। सो करियर को लेकर क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं गाइस चेक कर लेते हैं। एंड पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए गाइस सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट करें, एंड प्लीज़ व्हाट्सएप किया कीजिए, कॉल मत किया कीजिए। एंड जो पर्सनल प्रेडिक्शन होगी गाइस पेड होगी, फ्री सर्विस नहीं होगी, फ्री ओनली ऑन यूट्यूब। सो आप भी अकॉर्डिंगली स्टार्ट करती हूँ आपके करियर के लिए, देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं। सो क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जीज, ओके, सो नाइट ऑफ वैंस, सेवन ऑफ वैंस, डेविल एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आपके करियर में आपके मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, हर चीज़ में जो है मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है आती हुई नज़र आ रही हैं, बट कुछ कंट्रोल नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ों पे जो है शायद आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ मुझे डेविल की मिली, यानी कि कोई इशू कोई प्रॉब्लम मुझे बड़ी तेज़ी से यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर अपने करियर को लेकर अपने बिजनेस को लेकर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे लग रहा है
है, आपके माइंड में जो है कन्फ्यूजन है, जो आप डिसीजन लेना चाहते हो बट आगे बढ़कर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वेटिंग एनर्जीज आ रही हैं, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, कोई रिजल्ट हो सकता है, जो आपने कोई एग्जामिनेशन दिया हो, कोई जॉब इंटरव्यू का जो है रिजल्ट आप हो सकता है उसके लिए आप वेट कर रहे हो, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपने हार्डवर्क करी है सच्चे मन से और उस चीज़ का जो आप है वेट कर रहे हो, सो उसके लिए देख लेती हूँ क्या कुछ एनर्जीज मिल रही हैं मेरे पास में, क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस इन एनर्जीज को। ओके सो टू ऑफ वैंस की एनर्जीज़ है, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ है इस कार्ड में गाइस, आप खुद ही देख सकते हैं। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस कार्ड। जो एक पर्सन है अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में पूरी एक दुनिया को लेकर जो है खड़े हुए, यानी कि कहीं ना कहीं सक्सेस इनको मिल रही है, यूनिवर्स ने इनको सक्सेस दी है इनके हार्डवर्क के लिए, इनके हार्डवर्क के लिए। सो आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग है गाइस, रेजोनेट की हो, टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।